नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। चुनाव के दौरान गठबंधन के लेकर प्रक्रिया रही थी, लेकिन 28-29 तारीख में राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने, माननीय विधायकगणों ने और जो भी जिम्मेदार व्यक्ति थे दोनों पार्टियों के, एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी शिकायतें दूर कर दी थी और मिलकर ये चुनाव लड़ा गया है। ये बात अलग है कि हम लोग चुनाव हार गए और हमारे प्रत्याशी चुनाव हार गए, लेकिन चुनाव बहुत अच्छा था और जो भी कारण रहे होंगे वो उनकी हम लोग समीक्षा करेंगे कि क्या वजह रहे कि जो हम लोग मुजफ्फरनगर पालिका को उम्मीद से ज़्यादा हम लोग चाहते थे कि, और हम लोग का मानना भी था कि हमारी पार्टी गठबंधन यहाँ जीतेगी और समन्वय बन चुका था। शामली में, मुजफ्फरनगर में, मेरठ में, सहारनपुर में हम लोग 3 सीटें लड़े थे, वहाँ पर एक जीत गए अम्बेटा पीर, उसकी भी हम लोग समीक्षा करें क्या कारण रहे कि हम लोग हार गए हैं। हर जगह बहुत अच्छा वोट मिला है और बहुत अच्छी उपस्थिति राष्ट्रीय लोकदल ने दर्ज कराई है। नगर निकाय चुनाव में मुजफ्फरनगर में जहां भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर पर जीती है, तो वहीं खतौली, जानसठ समेत कई ऐसी जगह है जहां पर गठबंधन ने जीत हासिल की है। हमारे साथ मौजूद है राव अब्दुल वारिस, पूर्व विधायक थाना भवन और नगर निकाय चुनाव समिति के समन्वयक। इनसे बात करेंगे कि कहां क्या खामियां रही और कहां जीत हुई थी, क्या वहां पर अच्छा रहा। विधायक जी, जिस तरह से समन्वय समिति के आप पदाधिकारी थे, गठबंधन ने खतौली एक बड़ी जीत हासिल की और जानसठ जो गढ़ था भाजपा का उसे तोड़ा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल पहली दफ़ा अपने चुनाव चिन्ह पर नगर निकाय चुनाव लड़ा है और ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय चौधरी जयंत सिंह जी के निर्देश थे कि नगर निकाय में भी अपने प्रत्याशी लड़ाए जाएँ ताकि अपना एक वर्कर पार्टी का शहरी क्षेत्रों में खड़ा हो और शहरी क्षेत्रों में भी पार्टी का एक स्थापना हो और लोगों में हम लोग जाएं और पार्टी के बारे में प्रचार करें। उसका नतीजा रहा कि लगभग पहली दफ़ा इतना अच्छा परिणाम आया कि लगभग जो नगर निकाय हैं, लगभग 20-25 नगर निकाय हैं जहाँ पर, इसमें नगर पालिका भी हैं, नगर पंचायतें हैं, जहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी विजयी रहे हैं। मुजफ्फरनगर में कहीं ना कहीं एक टूट देखने को मिली थी गठबंधन के बीच, जो हार भी वो देखी है, क्या कहेंगे? देखिए, जैसा कुछ चुनाव के दौरान गठबंधन के लेकर प्रक्रिया रही थी, लेकिन 28-29 तारीख में राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने, माननीय विधायकगणों ने और जो भी जिम्मेदार व्यक्ति थे दोनों पार्टियों के, एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी शिकायतें दूर कर दी थी और मिलकर ये चुनाव लड़ा गया है। ये बात अलग है कि हम लोग चुनाव हार गए और हमारे प्रत्याशी चुनाव हार गए, लेकिन चुनाव बहुत अच्छा था और जो भी कारण रहे होंगे वो उनकी हम लोग समीक्षा करेंगे कि क्या वजह रहे कि जो हम लोग मुजफ्फरनगर पालिका को उम्मीद से ज़्यादा हम लोग चाहते थे कि, और हम लोग का मानना भी था कि हमारी पार्टी गठबंधन यहाँ जीतेगी और समन्वय बन चुका था, जो भी आपस में हम लोगों की जो गलतफहमी थी वो दूर हो गई थी और एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आपके माध्यम से 28-29 तारीख में की गई थी उसमें सब लोग इकट्ठा थे और सब लोग इकट्ठा होकर लड़ा है। ये एक दुर्भाग्य की बात है कि हमारे प्रत्याशी चुनाव हार गए। शामली और मेरठ, इसमें कैसी रही स्थिति? देखिए, शामली में भी जहाँ जहाँ गठबंधन के प्रत्याशी लड़े वहाँ पर या तो जीते हैं या नंबर दो पर रहे हैं, तो उपस्थिति तो बहुत अच्छी है क्योंकि अगर प्रतिशतों में आप वोट लगाएंगे तो शामली में, मुजफ्फरनगर में, मेरठ में, सहारनपुर में हम लोग 3 सीटें लड़े थे, वहाँ पर एक जीत गए अम्बेटा पीर, और गंगो पर हमारे प्रत्याशी जो थे वो दूसरे नंबर पर रहे हैं, लगभग 8200 वोट उनके मिले हैं। शामली नगर पालिका में हमारे कैंडिडेट 4000 से हारे हैं, विजय कौशिक, बहुत अच्छा चुनाव लड़े और उसकी भी हम लोग समीक्षा करें क्या कारण रहे कि हम लोग हार गए हैं। हर जगह बहुत अच्छा वोट मिला है और बहुत अच्छी उपस्थिति राष्ट्रीय लोकदल ने दर्ज कराई है। आने वाले 2024 कितना असर रहेगा इस निकाय चुनाव का? देखिए, ये पहले से तय है कि नगर निकाय चुनाव एक पैरामीटर होता है कि भाई आपकी कितनी तैयारी है, और 2024 एक महत्वपूर्ण चुनाव है देश और प्रदेश के लिए, और जो चीज़ें हम लोगों ने इसमें सीखी हैं आगे हम 2024 में उनको और अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे और जो हमसे कमियां रह गई हैं या जो भी हम लोगों से गलतियां हुई हैं या कोई कमी रही है उनको हम लोग एक बार समीक्षा जरूर करेंगे और उन चीज़ों को दुरुस्त करके 2024 में पूरे मन से और पूरी मेहनत से और पूरी निष्ठा के साथ 2024 में राष्ट्रीय लोकदल चुनाव लड़ेगा। अच्छा, आप थाना भवन के पूर्व विधायक रहे हैं, माना जा रहा है कि आप 2024 में कैराना लोकसभा सीट पर भी अपनी दावेदारी पेश करेंगे। देखिए, राजनीति में हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं हैं और हर एक आदमी चुनाव लड़ना चाहता है
और ये तो समय बताएगा और हमारे नेता चौधरी जयंत सिंह जी बताएंगे और उनके निर्देशों के जैसा उनका निर्देश होगा, जैसे उनके आदेश होंगे, जिसको वो चुनाव लड़ाना चाहेंगे कराना लोकसभा पर वो चुनाव लड़ेगा। मैं राष्ट्रीय लोकदल का समर्पित और समर्थित कार्यकर्ता हूँ और जैसा मेरे नेता निर्देश करेंगे हम उसका पालन करेंगे। 2024 में जो भी प्रत्याशी रहे उसको चुनाव लड़ाया जाएगा, जैसा निर्देश चौबीस आपके होंगे मान्य होंगे। 24 के लिए आप तैयारियां कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, किस तरह का काम इस पर? देखिए अभी तो नगर निकाय चुनाव के उसमें सभी लोग लगे हुए थे, अब नई परिस्थितियाँ आई हैं और इन चीज़ों की समीक्षा पहले एक दफ़ा हो जाए, उसके बाद आपको पता है जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब खतौली विधानसभा उपचुनाव हुआ था तो उन्होंने कहा था कि मैं गांव-गांव जाऊंगा। सन 2024 में जो लोकसभा होने हैं उनमें लगभग एक वर्ष का समय बचा है, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 20 मई के बाद, चौधरी जयंत सिंह जी 20 मई के बाद हर जनपद के 10-10, 15-20-20 गांवों में वो लोग शुरुआत कर रहे हैं कैंपेन की और वो 2024 की एक आधारशिला रखेंगे चुनाव की। तो ये समझिए कि 2024 के चुनाव जो है 20 मई के बाद से राष्ट्रीय लोकदल पूरी शिद्दत और मेहनत के साथ लग जाएगा और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे जो नेता हैं जयंत चौधरी, जो खुद इस चीज़ की स्वयं बागपत से शुरुआत कर रहे हैं जनपद से। ये तो हमारे राव अब्दुल वारिस ने 2024 की रणनीति और जो नगर निकाय का रिजल्ट रहा उसके बारे में वो चर्चा की। हलचल लेने के लिए औसाफ अहमद के साथ हिमांशु पाल। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।